अगली अपडेट से पहले अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टारगेट 100 लाइक्स। तो चलिए आज की पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बारे में। तो क्या शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी कर ली है? क्या सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच में हो चुका था बहुत पहले ही डिवोर्स? आखिर क्यों करना पड़ा सानिया मिर्जा को शोएब मलिक के साथ डिवोर्स, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की 2010 में शोएब मलिक के साथ शादी हुई थी। और आपको बता दें कि शोएब मलिक एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोएब मलिक की सानिया मिर्जा के साथ दूसरी शादी थी। इस शादी से पहले शोएब मलिक की तीसरी शादी से कुछ टाइम पहले सानिया मिर्जा अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट भी डाली थी। उस पोस्टों में सानिया मिर्जा ने काफ़ी सारी डिवोर्स की और लव की बातें की थी, लेकिन कल अचानक से शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर डाल दी। इसके बाद लोगों को श्योर हो गया कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच में डिवोर्स हो चुका है और शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी कर ली है। और हाल ही में ये भी खबर आ रही थी कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के डिवोर्स से शोएब मलिक की फैमिली में कोई भी खुश नहीं था और शोएब मलिक की तीसरी शादी से भी उनकी फैमिली में कोई खुश नहीं था। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्या सानिया मिर्जा को शोएब मलिक के साथ शादी करनी चाहिए थी, या फिर पाकिस्तानी होने के बावजूद उन्होंने तीसरी शादी की है, ये उनका एक कल्चर है? अपनी राय देने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।